सम्यक दर्शन के 8 अंग और 25 दोषों का स्वरूप संक्षेप में कहते हैं। क्योंकि दोष और गुण जाने बिना कोई दोषों का त्याग कैसे कर सकता है और गुणों को कैसे ग्रहण कर सकता है। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व बिछाने निज गुण अरु पर अगुण ढाके वानिज धर्य श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वचनों पर शंका नहीं करना, ये निशंकित अंग है। धर्म सेवन करके संसार के सुखों की इच्छा न करना, यह निकांक्षित अंग है। मुनियों के मैले शरीर को देखकर घृणा न करना, सो निर्विचिकित्सा अंग है। सच्चे और खोटे तत्वों की पहचान करना, सो अमूल दृष्टि अंग है। अपने गुण और दूसरे के दोष छिपाना या अपने धर्म की वृद्धि करना, सो उपगुहन अंग है। काम, क्रोध आदि किसी के कारण वश से धर्म से यदि कोई चलायमान हो तो उस समय जिस तरह बने अपने को और दूसरे को धर्म में दृढ़ करना, सो स्थितिकरण अंग है। अपने साधर्मी जनों से बछड़े पर गाय की प्रीति के समान प्रेम रखना वात्सल्य अंग है। जैन धर्म की शोभा में वृद्धि करना सो प्रभावना अंग है। इन 8 गुणों से विपरीत 8 दोष हैं, उन्हें हमेशा दूर करना चाहिए। जो जीव यदि पिता आदि पितृ कुल के संबंधी यदि राजा आदि हो तो उनका अभिमान नहीं करता, मामा आदि मातृ पक्ष के स्वजन राजा आदि हो तो अभिमान नहीं करता, शारीरिक रूप का, अपनी विद्या का, अपनी धन संपत्ति का और अपनी शारीरिक शक्ति का अभिमान नहीं करता, वह जीव ही आत्मा का ज्ञान कर सकता है। उन मदों के साथ जो जीव उपवास आदि तप का अभिमान नहीं करता, अपने बड़प्पन और आज्ञा का गर्व नहीं करता, जो जीव इन 8 मदों को नहीं करता, वह ही आत्मज्ञान कर सकता है।
यदि वह जीव इन आठों मदों को करता है तो ये मद सम्यक दर्शन के आठ दोष बनकर उसे दूषित करते हैं। कुगुरु कुदेव कुधर्म और कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक, कुधर्म सेवक, ये छह अनायतन दोष कहलाते हैं। सम्यक दृष्टि जीव उनकी प्रशंसा कभी नहीं करता, न ही उन्हें नमस्कार करता है, क्योंकि जिनेन्द्र देव वीतरागी मुनि और जिनवाणी के अतिरिक्त किसी को नमस्कार नहीं करता। नमस्कार करने मात्र से सम्यक्त्व दूषित हो जाता है। जो बुद्धिमान पुरुष 25 दोषों से रहित और 8 गुणों सहित ऐसे सम्यक दर्शन से शोभायमान है, वह यद्यपि चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से किंचित भी व्रताधिक नहीं कर सकता, तो भी देवों के स्वामी इंद्र उसकी पूजा करते हैं। यद्यपि वह गृहस्थ है, फिर भी कुटुंब आदि में आसक्त नहीं है, जैसे कमल जल में रहते हुए भी उससे भिन्न है, और जैसे वैश्या का प्रेम केवल दिखावटी होता है, वैसे ही ज्ञानी का प्रेम ग्रह कुटुंब आदि पर होता है, अथवा जैसे कीचड़ में पड़ा हुआ सोना यद्यपि ऊपर कीचड़ से भरा मलिन दिखाई देता है किंतु वास्तव में निर्मल है। सम्यक दृष्टि जीव आयु पूर्ण होने के बाद प्रथम नरक अलावा शेष 6 नरकों में ज्योतिषी देवों में, व्यंतर देवों में, भवनवासी देवों में, नपुंसकों में, स्त्रियों में, 5 स्थावरों में, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतु इंद्रिय जीवों में तथा कर्म भूमि के पशुओं में उत्पन्न नहीं होते। 3 लोक और 3 काल में सम्यक दर्शन के समान सुखकारी वस्तु दूसरी नहीं है। यह सम्यक दर्शन ही सुख का मूल कारण है। इस सम्यक दर्शन के बिना समस्त क्रियाएं दुखदायक हैं। मोक्ष में यह सम्यक दर्शन
मोक्ष रूपी महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बिना ज्ञान और दर्शन सच्चाई को प्राप्त नहीं करते। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे पवित्र सम्यक दर्शन को धारण करो। हे समझदार दौलतराम, सुन, समझ और सावधान हो, समय को व्यर्थ न गवा। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो यह मनुष्य पर्याय पुनः मिलना दुर्लभ है। इस तरह तीसरी ढाल का वर्णन समाप्त हुआ। सम्यक् श्रद्धा धारि पुनी सेवहु सम्यक् ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटा सम्यक दर्शन धारण करके फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। यह सम्यक ज्ञान अनेक धर्मों को धारण करने वाले स्वयं का और दूसरे पदार्थों का ज्ञान कराने में सूर्य के समान है। श्रद्धा जानी तुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान का रज है सोई युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक दे हुई सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है। तथापि दोनों के लक्षण भिन्न समझना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के लक्षण श्रद्धा करना और जानना है तथा सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। ये भी दोनों में अंतर निर्बाध है। ज्ञान और दर्शन एक काल में होने पर भी सम्यक दर्शन कारण सम्यक ज्ञान कार्य होता है। जैसे दीपक की ज्योत और प्रकाश एक साथ होने पर भी दीपक की ज्योति कारण है और प्रकाश कार्य है। तास भेद दो हैं परोक्ष परितच्छ तीन माही मत श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन उस सम्यक ज्ञान के परोक्ष और प्रत्यक्ष दो भेद हैं। सम्यक ज्ञान के पांच भेदों में मत ज्ञान और श्रुत ज्ञान, यह दोनों परोक्ष ज्ञान हैं, क्योंकि वे इंद्रियों और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान और मनह परेय ज्ञान, यह दोनों ज्ञान देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि जीव द्रव्य क्षेत्र की मर्यादा से स्पष्ट जानता है। जिस ज्ञान से केवल ज्ञानी भगवान छहों द्रव्यों के अनंत गुणों को
उनकी अनंत पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानते हैं, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं जो सकल प्रत्यक्ष है। इस जगत में सम्यक ज्ञान जैसा दूसरा कोई पदार्थ सुख का कारण नहीं है। यह सम्यक ज्ञान ही जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु रूपी रोगों को दूर करने के लिए उत्कृष्ट अमृत के समान है। अज्ञानी जीव सम्यक ज्ञान के बिना करोड़ों जन्मों तक तप करने से जितने कर्मों का नाश करते हैं, उतने कर्म सम्यक ज्ञानी जीव के मन, वचन, काय की प्रवृत्ति रोकने से एक क्षण मात्र में सरलता से नष्ट हो जाते हैं। यह जीव मुनियों के महाव्रतों को धारण करके अनंत बार नव में ग्रेवेयक तक उत्पन्न हुआ, परंतु अपनी आत्मा के ज्ञान के बिना किंचित मात्र सुख की प्राप्ति न कर सका। ताते जिन वर कथित तत् अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो रख लीजे। मानुष पर आय सुकल सुनी वो जिन वाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि जो दधि समानी। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए तत्व का अभ्यास करना चाहिए और संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय को छोड़कर अपने आत्मा को लक्ष्य में लेना चाहिए, यानी आत्मा को जानना चाहिए। यदि आत्मा को नहीं जाना तो यह मनुष्य भव, उत्तम कुल और जिनवाणी का सुनना ऐसे संयोग मिलना दुर्लभ है जैसे समुद्र में डूबे हुए सच्चे रत्न का मिलना अत्यंत कठिन है। समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। दास ज्ञान को कारण सपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता। धन, परिवार, हाथी, घोड़ा, राज्य तो अपने काम नहीं आते, किंतु सम्यक ज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान होने पर अचल रहता है। उस सम्यक ज्ञान का कारण आत्मा और पर वस्तुओं का भेद विज्ञान कहा है। इसलिए हे भव्य जीवों, करुणो उपाय करके उस भेद विज्ञान को हृदय में धारण करो। शिव गए जाही अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ कहे हैं। विषय चाह दबदा जगत जन अरनी दजावे, दास उपाय न आन ज्ञान घन घान बुझावे। पूर्व काल में जितने जीव मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं
और भविष्य में जाएंगे, वह सब सम्यक ज्ञान की महिमा है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। पांच इंद्रियों के विषयों की इच्छा रूपी भयंकर दावानल संसारी जीवों रूपी पुराने जंगल को जला रहा है। उसकी शांति का उपाय दूसरा नहीं है। ज्ञान रूपी वर्षा का जल जीवों की इच्छा रूपी अग्नि को शांत करता है। हे आत्मार्थी प्राणी, पुण्य के फल में हर्ष मत कर और पाप के फल में द्वेष मत कर, क्योंकि ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। वे उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती हैं और पुनः उत्पन्न होती हैं। लाखों बातों का एक ही सार है और वह वास्तविक है कि पुण्य पाप रूप समस्त जन्म मरण के द्वंद रूप विकारी मलिन भाव तोड़कर सदैव अपने आत्मा का ध्यान करो। सम्यक ज्ञानी होकर फिर दृढ़ सम्यक चारित्र का पालन करना चाहिए। उस सम्यक चारित्र के दो भेद हैं, एक देश और सर्वदेश चारित्र। त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करना और बिना कारण स्थावर जीवों का घात न करना अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। दूसरों को दुखदायक कठोर और निंदनीय वचन न बोलना सत्य अणुव्रत कहलाता है। मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे, दश दिशि गमन प्रमाण ठान तसु सीम ना नाखे। पानी और मिट्टी के बिना अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना अचौर्य अणुव्रत कहलाता है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य समस्त स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अपनी शक्ति विचार करके सीमित परिग्रह रखना परिग्रह परिमाण अणुव्रत है। 10 दिशाओं में जाने आने की मर्यादा रखकर उस सीमा का उल्लंघन न करना दिग्व्रत है। दिग्व्रत में किसी प्रसिद्ध गांव गली मकान
उद्यान तथा बाजार तक जाने आने की सीमा रखकर अन्य समस्त स्थानों में जाने आने का त्याग करना देशव्रत है। किसी के धन का नाश का, किसी की जीत का, किसी की हार का विचार न करना, व्यापार और खेती से पाप होता है, इसलिए उसका उपदेश न देना, यह सब अनर्थ दंड व्रत के भेद हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक ना विराधे असि धनु हल हिंसोप करन नहीं दे यश लाधे राग द्वेष करता कथा कब हो ना सुनी जे और हुआ निरथ दंड हे तू अग तिन्हे ना कीजे। प्रमाद से जल कायिक, पृथ्वी कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक जीवों का घात न करना, तलवार धनुष हल आदि हिंसक पदार्थों को दान में देकर यश न लेना, राग द्वेष उत्पन्न करने वाली कथाएं कभी भी न सुनना, अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। और अन्य भी पाप के कारण अनर्थ दंड हैं, उन्हें भी नहीं करना चाहिए। मन में निर्विकल्पता अर्थात शल्य के अभाव को धारण करके हमेशा सामायिक करना सो सामायिक शिक्षा व्रत है। चार पर्वों के दिनों में पाप कार्यों को छोड़कर प्रोषद उपवास करना प्रोषद उपवास शिक्षा व्रत है। भोग की वस्तुएं अर्थात जिन्हें एक बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं का और उपभोग की वस्तुएं अर्थात जिन्हें बार बार भोगा जा सके ऐसी वस्तुओं की मर्यादा रखकर मोह को छोड़ना भोग उपभोग परिमाण व्रत है। वीतरागी मुनिराज को आहार देकर फिर स्वयं आहार करना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। बारह व्रत के अति चार